डायबिटीज के ऐसे रोगी जो इंसुलिन लेते हैं उन्हें किन चीजों के प्रति सावधान रहना चाहिए? देखिए, इंसुलिन जब आप लेते हैं तो आपको शक्कर कम होने के लक्षणों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि ठंडा पसीना, घबराहट, दिल की धड़कन तेज होना, बहुत तेज भूख लगना, थरथराहट, कपकपी, ये लक्षण आते हैं। जब भी ये लक्षण आते हैं तो आप मीठा का सेवन करें। अब बात आती है, आप इंसुलिन का इंजेक्शन लगा रहे हैं तो इंजेक्शन जो है आपका वायल, अगर है वायल से आप लगा रहे हैं तो उसे कहाँ रखना चाहिए? अगर आपके घर में फ्रिज है तो फ्रिज के दरवाजे पर रखिए, नीचे की तरफ रखिए, इसको चिलर पे या फ्रीज़र में मत रखिए। अगर इंसुलिन जम गया तो ख़राब हो जाएगा, तो इंसुलिन आप फ्रिज के दरवाजे में रखिए। जब भी लगाने का समय आएगा तो इंसुलिन को बाहर 10 मिनट निकाल कर रखिए। आपको दो प्रकार के इंसुलिन होते हैं, एक पानी जैसा दिखने वाला इंसुलिन और एक इंसुलिन दूध जैसा दिखने वाला इंसुलिन। जो पानी जैसा वाला इंसुलिन है उसको शेक करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ऐसा मत करिए कि उसको आपस में मिलाने के लिए आप उसको ऐसा हिला डुला के फिर लगाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है, उसको रूम टेम्परेचर पर रखिए। रही बात आती है जो दूध जैसा दिखने वाला इंसुलिन है, जो कि लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन है, उसको आप दोनों हाथों के बीच में रखकर रोल करेंगे। ऐसा रोल करेंगे, जिससे शेक करेंगे तो इंसुलिन ख़राब हो जाएगा, उसको आप रोल करिए। फिर उसके बाद सिरिंज का अगर आप प्रयोग करते हैं तो सिरिंज में लोड करके इंसुलिन की लगाने की विधि होती है, उसकी जगह होती है, वहाँ पर लगाइए। अब बात आती है आपके पेंस, आजकल पेंस का चलन बढ़ता जा रहा है, तो पेंस अगर अच्छा मौसम है, गर्मियों का मौसम नहीं है, 20-25 डिग्री टेम्परेचर घर पर रहता है, तो आप अलमारी में आप अपना इंसुलिन का पेन रख सकते हैं, उसको फ्रिज में रखने की आवश्यकता नहीं है। जो पेंस के कार्ट्रिज हैं, जो उसका रिफिल है जिसमें इंसुलिन अतिरिक्त मात्रा में रहता है, और जो एक्स्ट्रा है आपके पास, वो फ्रिज के दरवाजे में रखिए। तो पेंस अगर गर्मी के मौसम में आता है तब आप फ्रिज के दरवाजे में पेन भी रख सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि बहुत से लोग, गांव देहात के लोग आते हैं तो उनके पास फ्रिज नहीं होता, वो आप क्या करें? तो उनको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप मटका लीजिए, मटके को रेत में, जैसे ही मटका रखते हैं तो रेत रहती है, नीचे रेत रखी जाती है, तो अगर आप रेत को ऊपर थोड़ा सा उठाकर देखेंगे तो अंदर आपको ठंडक मिलेगी। तो कभी भी इंसुलिन का वायल या पेन जो है उस रेत के नीचे दबा के रखिए। कभी कभार ऐसा होता है कि रेत की स्थिति में नहीं बन पा रहा, तो अब मैं कहता हूँ कि पन्नी में बांध कर मटके में डुबो दीजिए, तो भी इंसुलिन सही रहेगा। अब बात आती है निडल्स का प्रयोग कितने दिन करना चाहिए। जो इंसुलिन की सिरिंज है या पेन की जो निडल है, कायदे से तो उसको हर बार नया लेना चाहिए, पर यह व्यवहारिक दृष्टिकोण से सही नहीं होता, इसलिए हम मरीजों को हमेशा कहते हैं कि आप तीसरे, चौथे, पांचवें दिन नए निडल के रूप में बदलें उसको। तो निडल का फिर डिस्पोजल कैसे होगा? आप उसको बाहर नहीं फेंक सकते, आप एक ऐसे कंटेनर या ऐसे डब्बे में रखिए, प्लास्टिक के डब्बे में, जिससे किसी और को लगे ना ये निडल, और उसको ज़मीन में गाड़िए। इस तरह का परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि हमने निडल का भी ध्यान रख लिया, पेन का भी ध्यान रख लिया, अब लगाना कैसे है? इंसुलिन लगाने की विधि होती है, इंसुलिन लगाने की जगह होती है, और नियत स्थान पर ही इंसुलिन लगाया जाता है। प्रायः अगर देखा जाए तो डॉक्टर के तौर पे हमारे लिए सबसे अच्छा स्थान होता है पेट का स्थान। नाभि से 4 उंगल दूर आप इंसुलिन लगाइए, एकदम खड़े इससे लगाइए। इंसुलिन का जैसा ये पेन है तो आप बिल्कुल सीधा लगाइए, पेन की निडल से सीधा 90 डिग्री यहाँ पे लगेगा, तो इससे इंसुलिन यहाँ से चला जाएगा। अगली बार जब लगाएंगे तो थोड़ी दूरी पे लगाइए, फिर थोड़ी दूरी पे लगाइए, फिर थोड़ी दूरी पे लगाइए, फिर नीचे आकर लगाइए। तो जैसा एक जगह, जब जगह पूरी हो जाएगी तो आपको दूसरी जगह आकर इंसुलिन लगाना है। और कौन सी जगह है जो अगर इंसुलिन लगाया जा सकता है, तो आप थाइस में देख सकते हैं, थाइस में जो बाहरी हिस्सा है यहाँ पर इंसुलिन लगाइए। यहाँ पर इंसुलिन का पेन जो है वो खड़ा नहीं लगेगा, तिरछा लगेगा, ऐसा लगेगा, जैसे पेन पकड़ते हैं ना वैसा, तो ऐसा इंसुलिन लगेगा। तो ये आपका थाइस का हो गया। मान लीजिए दिन में 2 बार इंसुलिन लग रहा है तो सुबह पेट में लगाइए, शाम को पैर में लगाइए, और कभी कभार बहुत जगह नहीं बचती तो हम हाथों में भी लगा सकते हैं, कंधों पर भी लगा सकते हैं, आर्म्स में भी लगा सकते हैं। पर प्रायः ये जो दो एक जगह है, पेट और पैर, ये ज़्यादा अच्छी जगह होती है इंसुलिन लगाने के लिए, इसलिए विधि का ध्यान रखें। हमेशा ध्यान रखें कि एक ही जगह इंसुलिन ना लगाएं। एक ही जगह आप इंसुलिन लगाते हैं तो आपको दर्द कम होता है, तो आप हमेशा वहीं लगाएंगे इंसुलिन, तो जगह मोटी होने लग जाएगी। जब इंसुलिन लगाने की जगह मोटी होने लगती है, तो जब इंसुलिन हमें आना चाहिए, जब पेट में खाना है तब इंसुलिन खून में नहीं आएगा,
और जब पेट खाली हो जाएगा तो इंसुलिन खून में आ जाएगा, तो क्या होगा, शक्कर की मात्रा कम हो जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। इसलिए इंसुलिन लगाने की विधि का बहुत महत्व है। आप अपने डॉक्टर से बहुत अच्छे से इंसुलिन लगाने की विधि सीखें और इंसुलिन रखने की जगह नियत करें। सब कुछ चीज़ें सीख कर अगर आप अपना इलाज कराते हैं तो आपकी शक्कर बहुत अच्छी रहेगी।